हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पर इंडिया रियल ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि बहुत अच्छे होंगे और हमेशा ही अच्छे रहने चाहिए। और इतना समय हो गया कि मैं अब ब्लॉगिंग ही नहीं कर पाती, काम ही इतने ज़्यादा रहते हैं मुझे कि ब्लॉगिंग हो ही नहीं पाती। और कुछ रीज़न ये भी था कि मतलब चलो छोटे बच्चे तो हैं, वो तो काम लगा रहता है घर में, और अब बच्चों की छुट्टी है तो देर से उठना, रात को फिर बच्चे परेशान करते, देर से उठती हूँ, फिर पूरा दिन घर के कामों में, बच्चों की मालिश, नहलाना, घर का काम, मतलब घर का तो नहीं खैर हेल्पर रखी है बट खाना पीना बनाना ये सब चीज़, और बच्चों के भी दोनों बच्चों के हज़ार काम होते हैं तो उसी में लगी रहती हूँ, पूरा दिन टाइम ही नहीं मिलता मुझे। और सोचती हूँ अगर मैं व्लॉग भी बना लूँ फिर एडिट करने के लिए टाइम चाहिए, खुद फ़ोन चलाने तक का टाइम नहीं रहता मेरे पास, तो कुछ ऐसा है। कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब स्टार्ट करती हूँ मैं व्लॉग बनाना। कंटिन्यू तो बोल नहीं सकती थी कि मैं मतलब कंटिन्यू बना पाऊँगी, पर कितना बना पाऊँगी वो देखा जाएगा। फिलहाल तो मैं डालती रहूँगी व्लॉग बीच बीच में। और मिली मेरे बेटे से, बड़े बेटे से, वो जस्ट हाय बोलो। और चलो सबसे मिलवाती हूँ, बस देखती हूँ। अभी तो दोनों बच्चे अभी नहलाकर सुला दिए तो दोनों ही बच्चे सो रहे हैं, सबसे मिलवाती हूँ आपको। काफ़ी दिन हो गए मिलना ही नहीं हुआ। हेलो, नानी और नानी की लाड़ली थेपती बोलते हैं ना, वो सो रही है, यहाँ सो रही है, और यहाँ मेरा लाडला छोटा सा बेटू वो सो रहा है, यहाँ सौरभ जोशी के ब्लॉग चल रहे हैं, तो यहाँ मेरा ये बेटू भी सो रहा है। तो चलो जब वो उठेंगे तब मिलवाऊंगी, मैं सब सोच रही हूँ। और टाइम बता देती हूँ, अभी मैं ब्लॉग कब स्टार्ट कर रही हूँ तो टाइम हो रहा है, ये देखिए बता देते हैं क्या टाइम हो रहा है। तो टाइम है 1 बजने वाला है, तो कुछ 5 मिनट है 1 बजने में, तो मैं रोटियाँ डाल लेती हूँ। तो आज के खाने में बन रहा है, मैंने चाप बनाई है सोयाबीन की चाप, और अब रोटियाँ डाल लेते हैं, और थोड़े से मुझे बनाने हैं चटपटे वाले जवे, वो भी मम्मा के हाथ के बनवाने हैं। तो आज है संडे, मम्मा आई हुई थी, मैं आपसे बात करती हूँ, इस फोन को लगा देती हूँ यहाँ पर। हाँ जी, तो मैं बताती हूँ आपको, मम्मी आई हुई है। मम्मी क्या ऐसा है, जो मेरी छोटी वाली बेटी है तो वो है मम्मा से बहुत ज़्यादा अटैच है, क्योंकि आपको पता ही है कि भाई दो बच्चे थे तो एक तो रखना पड़ता मम्मा को, तो एक बेटी को मम्मा रखती थी ज़्यादातर अपने पास, सुलाना नहलाना सब कुछ मतलब ज़्यादातर वही करती थी, तो वो उन पर ज़्यादा रहने लगी है। और फिर मम्मी को भी बहुत आदत हो गई है उसकी, बहुत ज़्यादा तो मम्मी उनके पास ही रहती है ज़्यादातर। तो मम्मी क्या अब हफ्ते में चक्कर लगा देती, क्योंकि अब 3 मंथ के हो गए बच्चे, अब 24 आएगी ना, 24 जून आएगी तब बच्चे 4 मंथ के हो जाएंगे, तो मम्मा आती रहती है हफ्ते में जोर चक्कर लगा देती, उनका भी मन नहीं लगता बच्चों के बिना, बच्चों को नहीं देखे बिना। और फिर वह डेली वीडियो कॉल तो जरूर चलता ही है, तो मम्मा उनके पास है, आज संडे है, और मेरी बहुत हेल्प हो जाती है। तो मैं रोटी डाल देती हूँ फटाफट, एक बढ़िया खाने का भी टाइम, खाने का आपको बता दूँ छुट्टी में चलनी है बच्चों के, तो खाने का कुछ टाइम पता ही नहीं लगता, कभी जल्दी कभी कम, कभी जल्दी कभी देर से, बस ऐसे ही रहता है। और फिर मैं भी थोड़ा सा, मेरे हस्बैंड भी उठाते नहीं है, सोचते हैं कि अभी थोड़े दिन छुट्टी है तो थोड़े दिन आराम कर लो, बाकी तो डेली फिर जल्दी उठना ही है। और क्या बताऊँ, मिलवाती हूँ दोनों बच्चों से, और सोचती हूँ छोटे छोटे ब्लॉग्स मतलब छोटी छोटी से शॉर्ट्स ब्लॉग डालूँ बच्चों की, पर कोई पॉसिबल नहीं होता, और बहुत अच्छे अच्छी तरह से हंसते हैं, मैं सोचती हूँ सब रिकॉर्ड करूँ, पर कुछ चीज़ें ना अंदर छुपाने तक की होती हैं, तो मोबाइल फिर उठा नहीं पाती रिकॉर्ड करने के लिए, कुछ ऐसा ही रहता है। आटा छान कर लाती हूँ और आपसे बात करती रहूँगी। फिर
ठीक है सर, वैसे ठीक है, बता देते हैं। और मैं आपको बताऊं मतलब कितना ज्यादा अच्छा समय आने वाला है, समय के गुड न्यूज आने वाली है हमारी लाइफ में कि बहुत ज्यादा, और जल्दी ही आपको बताऊंगी। ये बनाने हैं रुआब्जा, अपने में बोल रहे थे मम्मी मेरे लिए रुआब्जा बना दो। देखिए आप इतने छोटे तो वो नहीं कि रुआब्जा नहीं बना पाओगे, बनाओ अपने आप, तो खुद बना रहे। मैं यहाँ लोई तोड़ लेती हूँ आटे की, और इसके बाद रोटी डालती हूँ। नानी उठ गई, अब सो रही है। कोई आ रहा नीचे? याद न मेरी आई किसी से अब क्या कहना। चलो जी हम एक तरह खाना बना देती हूँ, फिर बच्चे उठेंगे ना तब उनसे बात करूँगी। मिलती हूँ थोड़ी देर में। हेलो जी, तो यहाँ हो रही है मेरे सिर की मालिश, क्योंकि बाल बचे ही नहीं चांद, सब गिर गए बाल मेरे। वहाँ दोनों बच्चे, एक वहाँ चारपाई पर है, एक यहाँ पीछे है। और चलो दिखाऊंगी अभी। तो फिर खाना खाने के बाद सो गए थे, तो बहुत देर हो गई उठने में। अब मैंने कि चलो सिर की मसाज करा लूँ, उसके बाद खाना बनाऊंगी शाम का। चांद पर बाल बचे ही नहीं, मैं तो काफ़ी कटिंग, मतलब काफ़ी नीचे नीचे से कटिंग में भी निकलवा दिए बाल। क्या करूँ जब बचे ही नहीं है चांद पर, तो अब जब जा ही रहे तो ठीक से कट कर ठीक हो जाए। इसका दूध हट गया मम्मी, अरे चूहे दूध हट गया, तखिया से लगा दे, तखिया के सहारे से। दो सारे जुड़ रहे हैं, अभी तो काड़े भी नहीं है, तब इतने सारे मेरे हाथ में। यार कुछ भी नहीं तेरी मेरी कहानी है। पंखा चला ले ललित, बच्चों से मिलवाती है। मिस्टी, मिस तू मिस्टी, ए मिस्टी बिटिया, अली बिटिया थोती थी। प्यारी मिस्टी, ये है मेरी प्यारी मिस्टी। हो लाडो, ए लाडो, ए मेरी लाडो। तो बेटे से मिलवाते, ले रहा। ए मीरव, ये दूध पी रहे हो, बिजी हो रहे हैं। मीरव, ए मीरव, 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 हाँ दूध पीने बिजी हो रहे हैं, बारे में बात करेंगे। मन पिला दो, दूध पिला दो, ये कहेगा मुझे डिस्टर्ब कर दिया। हाँ ये ला मचा, नानी के पास जाओगे? नानी पास पहले तेल के हाथ धोने दो, नानी को तेल के हाथ, ठीक है? चलो मिलो, नानी की लाडली आ गई, नानी की लाडली। नानी कहाँ है? मिस्टी जाओ, अरे मिस्टी
अरे मिस चोड़िया मुंह फाड़ रही है। कैसे कैसे मुंह फाड़ रहा है बंदर, अभी हिचकी ले रही है। हेलो जी, तो यहाँ लगा रही हूँ मैं आटा और मैंने बनाए आलू बैंगन की सब्जी और आटा लगा लेती हूँ फिर रोटी डालूंगी। कौन आया? अच्छा मेरा भाई आया हुआ। मैंने आपको व्लॉग ही नहीं बनाए तो मैं बताती क्या, मेरी मौसी का बेटा तो वो आया हुआ है। काफ़ी दिन हो गए आई थिंक 10-15 दिन हो गए देखिए शायद तब से आया हुआ है वो। और मैं बताऊँ मम्मी जब आ जाती है ना मेरी तो इतनी हेल्प हो जाती है तो मैं बेफिक्री सी हो जाती हूँ, बहुत अच्छे से अपना काम कर लेती हूँ टाइम से और सब कुछ। और वरना मम्मी नहीं रहती ना तो मेरी देर बढ़ जाती है और बहुत चीज़ें तो मैं भूल जाती हूँ, दिमाग से निकली जाती है बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि गैस पर ही कुछ रख कर भूल गई, इधर से उधर कुछ काम से जा रही हूँ कुछ कर रही हूँ तो उल्टा सीधा काम होता है उससे पीछे, ये सारा ध्यान मेरे बच्चों में रहता है, कुछ ऐसा हो जाता है। और बच्चों की छुट्टी है स्कूल की तो थोड़ा सा बच्चों की भी हेल्प हो जाती है मेरी, तो यहाँ आटा लग गया, रोटी डालनी है। तो मैं रोटी डाल दूँ पहले और फिर थोड़ी देर के लिए बाहर घूम कर आऊँगी, बहुत बहुत दिन हो गए बाहर जाने ही नहीं होता। अब मम्मी है तो थोड़ा सा घूम कर आऊँगी बाहर, तेल डलवाया था ना तो मैंने ऐसे छोड़ दिया बालों में, अब बाद में कंघा करूँगी, अभी नहीं। पता क्या तुरंत कंघा कर लेते हैं जो हमारा तेल है सारा कंघे के साथ से नीचे आ जाता है तो जड़ों में कम रह पाता है। अगर आपको तेल डालकर और कुछ देर के लिए ऐसे छोड़ दो, बिल्कुल कंघा मत करो, उसके बाद कंघा करो तो ठीक रहता है, एडवाइस दे रही हूँ। बाकी मेरे बाद बाल तो इतने ज़्यादा झड़ रहे हैं कि बस क्या। अरे यार नमक डाला था मैंने आटे में, भूल जाती हूँ, दिमाग पे इतना ज़्यादा जोर डालना पड़ता है मुझे याद करने के लिए चीज़ें कि बहुत ज़्यादा। सब्जी बन गई, रोटी भी अभी डाल देती हूँ और फिर थोड़ी देर के लिए जाऊँगी बाहर। और बच्चे मेरे दोनों सो रहे हैं, वो तो थोड़ी देर को सोते हैं मतलब फिर जगते हैं दूध पीते हैं ऐसे ही लगा रहता है उनका, फिलहाल सो गए, खाना बना लूँ मैं। दोनों बच्चों को लेकर बैठी मम्मी, ऑलमोस्ट चारों बच्चों को लेकर बैठी अंदर। तो जी फिर मिलते हैं नाइट में, नाइट तो हो ही रही है मतलब बाद में जब सोने का टाइम होता है जब दिखाती है बच्चों को। अरे कल को तो नानी जा रही है। मीरा वो मिस्टी को देख रहा है, मीरा ओए चूहे मिस्टी। हाँ क्या हुआ हाँ क्या हुआ मिस्टी, क्या हुआ? हाँ मिस्टी हाँ मिस्टी हाँ हेलो मिस्टी भाई, हेलो बोल, ब्लॉग बन रहा है। हेलो यहाँ की बोतल लग गई, यहाँ ये सोने का टाइम हो गया, अब बिस्तर लगा देती हूँ। देखो पता नहीं क्या साड़ी बांधने की लग रही है, जेंटलमैन। क्या हुआ मीरा? देखिए मीरा चलो बिस्तर कर दो। हेलो जी, तो चलो बिस्तर कर देते हैं अब। देखो मैंने तेल डलवा लिया बालों में, मैं बिना तेलों के बाल छोड़ती नहीं हूँ, मतलब धुलने के बाद भी तेल डाल लेती हूँ। बिस्तर कर लेते हैं अब, चलो फिर आज के बस। हाँ जी, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। प्यार देना मेरे ब्लॉग को, छोटे छोटे बेबी है मेरे सोने वाले, मतलब समय लगेगा उन्हें, अभी वैसे भी 12:45 का टाइम हो गया। दिखाओ ये रहा 12:45 का टाइम हो गया तो समय है और अब हम सोने के लिए चलते हैं। ये हाँ लेट कर आया इसके बाद में।
चलो बाय बाय।